आज की इस वीडियो में मैं होंडा हॉर्नेट 2.0 का राइडिंग टेस्ट करने वाला हूं और मैं आपके सामने इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जिसमें कई सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे कि पिकअप, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई बाइक के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसी इसकी जो हेडलाइट है लो बीम में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट का फीचर मिलता है। ये देखिए गाइस, फ्रंट से ये कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड कराता है। जैसे ही ये बाइक स्टार्ट होती है, वैसे ही इसकी हेडलाइट प्रॉपर ऑन हो जाती है। आइए अब करते हैं इस बाइक की फर्स्ट राइड। मैं होंडा हॉर्नेट को फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ और बिल्कुल ब्रांड न्यू राइड कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस होगा वही आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने फर्स्ट गियर में इस बाइक को उठाया है और इसका मुझे एक्सपीरियंस काफी सही लगा है। इस बाइक की हैंडलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गियर को और स्पीड और टैकोमीटर को देख सकते हो। अभी ये बाइक थर्ड गियर में है और आप देख सकते हैं स्पीड अभी कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ ट्रैफिक एरिया में हूँ। होंडा हॉर्नेट 2.0 की हैंडलिंग काफी जबरदस्त है। इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे ही मैंने इस बाइक की राइडिंग स्टार्ट की, वैसे ही मेरे माइंड में एक मैप बन गया है कि मैं इस बाइक से इस कंफर्ट के साथ में मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक की राइड कर सकता हूं एक बार में विदाउट एनी स्टॉप। मैंने TVS अपाचे RTR 164V को भी राइड किया है, लेकिन उससे मेरा इस बाइक का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा है। हैंडलिंग तो इस बाइक की काफी जबरदस्त है, पोजीशन भी इसकी काफी जबरदस्त है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ब्रेक इसके जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूं पिछले अपने रिव्यू वीडियो में कि इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। यदि आप इस बाइक का डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बाइक में आपको डुअल डिस्क मिलते हैं, फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग डुअल चैनल ABS होना चाहिए था। इस बाइक में आपको 184cc का इंजन मिलता है, उसके हिसाब से इसकी जो पावर है, टॉर्क है, पिकअप है, काफी जबरदस्त है। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल गेज भी आपको मिल जाएगा और आपको इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिलती है। इस बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है। मैं यह बाइक 100% रिकमेंड करता हूं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।